तो शिवा ढाबे पे मैं ले आया आपको, मामा यादव के नाम से जाना जाता है, शिवा के तो यही है, लेकिन जो मजा यहाँ बच्चों को आता है वो शायद किसी और ढाबे पे नहीं आता। इसका नाम ढाबा है, ढाबे पे ऐसी सुविधा नहीं होती, लेकिन इस पर 5 स्टार को फेल करता है। यहाँ पे बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, इसीलिए इसको शिवा मामा यादव ढाबा कहा जाता है। गाइस तो देखिएगा आप लोग, जो कीजिए, मैं तो अब आगे की आपको नेक्स्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग थैंक यू। शिवा ढाबा इस हाईवे पे, हापुड़ हाईवे पे सबसे ज़्यादा चलने वाला होटल है, चाहे 2 बजे रात को चाहे 1 बजे हो, भीड़ बराबर होती है। जितने भी नैनीताल से गाड़ियाँ आती हैं सब इसके पास रुकती हैं, क्योंकि इसका खाना बहुत बेटर है। खेल गेम्स वगैरह हैं, पूरा मार्केट है। फलों की वैरायटियां, मोबाइल्स, गेम्स बच्चों के, फुल लाइटिंग है इस होटल, इस ढाबे पे हर एक वैरायटी है, हर चीज़ बच्चे, इसलिए इनको बच्चों को बहुत प्यार है। गेम्स वगैरह, कभी आप लोग नैनीताल आओ तो इस ढाबे पे जरूर रुको, हर वैरायटी मिलती है, खाना से लेके हर चीज़ की वैरायटी मिलती है, अचार वगैरह। बर्तनों की भी भरमार है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं सारे मिलते हैं, कपड़े वगैरह खरीदना, तौलिया वगैरह सब यहाँ मिलती है, सारी चीज़ें क्वालिटी बिल्कुल मिलती हैं यहाँ पर। तौलिया वगैरह, पर्दे, सारी चीज़ें एनी टाइम मिलती हैं यहाँ पे। तौलिया हर तरह की वैरायटी है इन पे तौलिया में, यही लोगों को भाता हो इसलिए यहाँ इतने लंबे थके हुए आते हैं तो यहाँ पे खाना खाते हैं, यहीं पे रुकते हैं। यहाँ का खाना सबके मुंह लगा हुआ है, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, बच्चों के गेम्स वगैरह, कपड़े वगैरह, सब चीज़ हर एक वैरायटी यहाँ पे मिलती है, इसलिए यहाँ लोग रुकते हैं, यही एक ही जगह रुक के अपना खाना वाना खा के फिर यहाँ से चलते हैं। और ड्राइवरों के लिए अच्छी व्यवस्था की हुई है, कोई पैसा नहीं लेते ड्राइवरों को, खाना वाना सब खिलाते हैं। पेड़ पर लाइटिंग वगैरह, अरे देखो लोग आते जा रहे हैं खाना खाने के लिए, अभी भी जो भी यहाँ रुकता बड़ा खुश होकर जाता है। गाड़ियों की पार्किंग लगवाने के लिए आदमी छोड़े हुए हैं, आदमी पार्किंग करवाते हैं गाड़ी वगैरह। तो मैं भी यहाँ पे आया हूँ, मैंने कहा यहाँ की वीडियो बना लूँ, तो मैंने यहाँ की वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए।
फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय। देखो फिर से मजाक कर रहे हैं, उनका मजाक लोगों को बहुत पसंद आता है। ये मजाक करने की कला बहुत ही अच्छी है। सही हो रहा है, अरे बच्चों से मजाक करो यार। तो गाइस यहाँ पे यही सब होता है, यहाँ हर चीज़ वैरायटी वगैरह सब मिलती है। यही लोगों को भाता है, यहीं पे इसलिए लोग बाग आते हैं, और यहाँ पे बच्चों के साथ भी आते हैं लोग बाग। दिल्ली से तकरीबन 70 किलोमीटर होगा तो लोग बाग आ जाते हैं खाना खाने और घूम फिर भी लेते हैं, अच्छी बात है। तो आप लोग जब सोच रहे हो शिवा ढाबा, शिवा ढाबा के नाम से हज़ार होंगे लेकिन ये मिल जाएगा, मामा यादव है इसका नाम, शिवा नाम से तो हज़ारों हैं लेकिन मामा यादव सूरज ढाबा है। लोग बड़े खुश होते हैं बच्चों के साथ, आते हैं चाय भी पीते हैं। बहुत ही लाजवाब भीड़ होती है यहाँ। अच्छी कॉमेडी है, सुपर
चलो गाइस, तो फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको दिखा दिया। मुझे तो खुशी मनाने का अंदाज ही लोगों को पसंद आया। अपने इस ढाबे पे आओ और हर चीज़ यहाँ मिल जाती, कपड़े से लेके बच्चों के गेम्स वगैरह, टॉय। ये देखो टॉय हैं, इधर टॉय, इधर गेम्स अच्छे अच्छे भैया। ये कौन सा गेम है? है भाई साहब, ये कौन सा गेम है? गेम नाम बताओ ना, गेम का क्या है? नंबर वाला। ये बच्चों के लिए गेम्स है यहाँ पे, टॉय वगैरह हैं। कितने प्यारे प्यारे देखो, टॉय वगैरह है। ये रोड जा रहा है यहाँ से, अब मैं भी जा रहा हूँ।